हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, अजा एकादशी के दिन इन नियमों का पालन करें, भूल कर भी ना करें ये काम। जी हाँ दोस्तों, भाद्रवत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी कहा जाता है। इस साल अजा एकादशी का व्रत 3 सितंबर को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले फल से भी अधिक माना जाता है। तो दोस्तों, माना जाता है कि अजा एकादशी व्रत से मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है। जो इसका व्रत करता है वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाता है। तो ऐसे में अगर आप अजा एकादशी का व्रत रखे हैं तो इस दिन आपको कुछ खास नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से नियम हैं जो अजा एकादशी के दिन आपको अवश्य पालन करने चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन महिलाओं को अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो भी व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, उसे अपने जीवन में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन ऐसा करने से जीवन में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना चाहिए। द्वादशी तिथि को पारण तुलसी के पत्तों से करना चाहिए। इसके लिए तुलसी का पत्ता रति को स्वयं नहीं तोड़ना चाहिए। बच्चों या बुजुर्ग जिन्होंने व्रत ना किया हो, उनसे पत्ता तोड़ने के लिए कहना चाहिए। और दोस्तों, एकादशी तिथि को अगर आप माता तुलसी को सुहाग का सारा सामान भेंट करके फिर इसे किसी जरूरतमंद को दे दे तो आपको इससे बड़ा लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, एकादशी के दिन किसी को भी चावल नहीं खाने चाहिए और ना ही किसी को चावल का दान देना चाहिए। अगर आपके द्वार पर कोई याचक आता है तो इस दिन चावल छोड़कर अन्य चीज़ों का दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि में चला जाता है, यानी कि रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा से संबंधित किसी भी तिथि में चावल नहीं खाने चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी के दिन में सोना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। ये दिन बहुत ही पवित्र माना गया है और इसे आप बिना वजह सोने में व्यर्थ न करें। इस दिन सुबह उठकर ईश्वर की भक्ति करें और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी श्री हरि का जाप जरूर करें। तो दोस्तों, एकादशी के दिन मन को शांत रखें और फूल से भी पिता या गुरुजनों का अनादर ना करें। इन्हें गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व माना गया है। इनके अपमान से गुरु शुभ फल नहीं देते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को पवित्र दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसलिए भूलकर भी घर में शुद्ध वातावरण को खराब ना होने दे और कलह से बचे। तो दोस्तों, एकादशी के दिन मसूर, उड़द, चने, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपके बुरे कामों से भी दूरी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्म से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये नियम आप रखते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति जरूर आएगी। तो दोस्तों, आप ये नियम अवश्य पाएं। तो दोस्तों, ये आप अवश्य करें क्योंकि दोस्तों इससे विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु नमः अवश्य लिखिए। धन्यवाद।